सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी है। आज जुमा के खुतबात में उलमाए किराम को तबलीगी जमात के खिलाफ बोलने का हुक्म दिया गया था। सऊदी के अधिकारियों का कहना है कि तबलीगी जमात से बच्चों की जहन साजी हो रही है और बच्चे दीन की बजाय दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं। इस मामले को लेकर सऊदी हुकूमत के खिलाफ कई सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सऊदी हुकूमत की तरफ से एक तरफ दीन का काम करने वाली तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी गई है तो दूसरी तरफ सऊदी अरब में शरीयत के खिलाफ कई काम किए जा रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरब में कई जगहों पर सिनेमाघरों को ओपन किया गया है जिनमें दुनिया भर के कई फिल्मों को दिखाया जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले सऊदी अरब ने काबे के पूर्व इमाम की फिल्मों में एंट्री भी करा दी थी, जिससे दुनिया भर में इस्लाम का नाम खूब बदनाम हुआ था। कुल मिलाकर सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाकर अपने मूल्य को घटाने का काम किया है। इसी तरह से खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।